हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे ही है और ये हमारा पार्ट 8 है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। इससे पीछे का जो 7 पार्ट था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और उसके अंतर्गत जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड माउस वगैरह वगैरह उनका स्टडी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है और उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो यूज़र के द्वारा जो इनपुट किए जाते हैं डेटा वो कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए जिन यंत्रों की सहायता ली गई वो हमारा इनपुट डिवाइस हुआ और जो कंप्यूटर के जरिए जनरेट होते हैं डेटा या रिजल्ट्स उन्हें यूज़र तक पहुंचाने के लिए जिस यंत्र की सहायता ली जाती है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कैरी डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाई द कंप्यूटर टू द यूज़र। तो जो आउटपुट डिवाइस होते हैं इनका काम होता है कि कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें रिसीव करें और रिजल्ट्स के रूप में जो क्रिया के बाद डेटा आते हैं उन्हें वो यूज़र तक पहुंचाए। आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड डेटा इन मायराइड डिफरेंट फॉर्म सम ऑफ विच इंक्लूड ऑडियो विजुअल एंड हार्ड कॉपी मीडिया। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये भिन्न प्रकार के रूप में डेटा या रिजल्ट्स को यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। इनमें ऑडियो यानी आवाज़ हो सकता है, विजुअल माने फोटो या वीडियो हो सकता है, या हार्ड कॉपी माने पेपर पे कोई आंकड़ा प्रिंट कर लिया वो हो सकता है। द डिवाइसेस आर यूजुअली यूज्ड फॉर डिस्प्ले प्रोजेक्शन और फॉर फिजिकल रिप्रोडक्शन। मॉनिटर्स एंड प्रिंटर आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड विथ ए कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जो ज़्यादा प्रसिद्ध डिवाइसेस हैं उनमें आपको प्रिंटर और मॉनिटर ये दो डिवाइसेस ज़्यादा यूज होते हुए दिखाई पड़ेंगी। ए कंप्यूटर कैन स्टिल फंक्शन विदाउट एन आउटपुट डिवाइस, माने अगर आउटपुट डिवाइस नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर काम करेगा, मगर दिक्कत ये होगी कि बिना आउटपुट डिवाइस के हम ये नहीं जान पाएंगे कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, हम क्या कंप्यूटर को दे रहे हैं, हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहा है, कोई अगर एरर है तो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए अनिवार्य होता है कि हमें आउटपुट डिवाइस के रूप में कोई एक डिवाइस रखना ही होता है। अब इसमें जो सबसे पहला डिवाइस आता है वो हमारा है मॉनिटर। तो मॉनिटर को आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ इनका इमेज भी दिखाया है। तो आपका जो कंप्यूटर का बेसिक सेटअप होता है उसमें मॉनिटर एक अनिवार्य रूप से डिवाइस हमें मिलता है। ये एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इसका काम ये होता है कि ये चित्रित दर्शाने का काम करता है जो डेटा आप कंप्यूटर को दे रहे हो या जो आपको रिजल्ट्स मिल रहा है उसको ये दिखाता है। और जो मॉनिटर होते हैं इनके भी कई टाइप आपको मिलेंगे। उनमें जो कुछ कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर हैं उसमें आपको एक CRT वाला मिलेगा। तो जो ये बड़ा वाला मॉनिटर मैंने आपको दिखाया है ये CRT वाला मॉनिटर है, माने कैथोड रे ट्यूब वाला होता है। तो इसके अंदर चूंकि एक पिक्चर ट्यूब लगी होती है जो काफ़ी स्पेस लेता है, इसलिए ये मॉनिटर जो होते हैं ये देखने में हैवी होते हैं और इनका वजन भी ज़्यादा होता है। वही एक डिवाइस आता है फ्लैट पैनल स्क्रीन। तो ये जो डिवाइस मैंने आपको दिखाया हुआ है ये आपका फ्लैट पैनल डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। ये कम वजन का होता है, स्पेस कम लेता है, लाइट वेट का होता है, इसमें पोर्टेबिलिटी होती है, आसानी से आप एक जगह से दूसरे यहाँ इसको कैरी कर सकते हैं। और फ्लैट पैनल स्क्रीन के अंतर्गत आपको एक LED डिवाइस मिलेगा डिस्प्ले और एक LED मिलेगा। तो जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो LCD डिस्प्ले होगा और जो लाइट इमिटिंग डायोड के ऊपर आधारित होते हैं वो LED के कैटेगरी में आते हैं। वहीं ऑल मॉनिटर डिपेंड ऑन वीडियो कार्ड। अब आप चाहे CRT वाला मॉनिटर चलाएं चाहे फ्लैट पैनल वाला चलाएं, सब जो होंगे वो आपको आउटपुट जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए वो सहायता लेते हैं एक सर्किट्री का, जिसे हम लोग वीडियो कार्ड बोलते हैं। वीडियो कार्ड का उत्तरदायित्व होता है कि जो भी चीज़ें आपको मॉनिटर पे दिख रही हैं उनको ये दिखाने का काम करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे
गुड क्वालिटी का आउटपुट चाहते हैं मॉनिटर पे, तो उसके लिए एक नॉर्मल वीडियो कार्ड तो हमारे मदरबोर्ड पे उपलब्ध होता ही होता है, साथ साथ कुछ रिच वीडियो कार्ड्स आते हैं, अगर हम उन्हें अपने मदरबोर्ड से ज्वाइन कराते हैं तो हमें काफ़ी बेस्ट ग्राफिक्स स्क्रीन पे मिलता है। स्पेशली जो डेडिकेटेड कंप्यूटर गेम्स या पिक्चर के ऊपर वीडियो के ऊपर काम करते हैं तो उन्हें वो अलग से एडिशनल वीडियो कार्ड अपने मदरबोर्ड से अटैच कराना होता है। अगला जो डिवाइस होगा वो हमारा प्रिंटर है, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है। प्रिंटर के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, इसका रोल होता है कि जो भी इमेज या टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अगर उन्हें आप पेपर पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंटर की सहायता लेनी होती है। तो दिस डिवाइस जनरेट्स ए हार्ड कॉपी वर्जन ऑफ प्रोसेस डेटा लाइक डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स। द कंप्यूटर ट्रांसमिट्स द इमेज डेटा टू द प्रिंटर विच देन फिजिकली रिक्रिएट्स द इमेज टिपिकली ऑन पेपर, यानी पेपर के ऊपर हम लोग अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। हमारे प्रिंटर में भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे एक प्रिंटर आपको इंकजेट प्रिंटर मिलेगा, एक प्रिंटर आपको लेजर प्रिंटर मिलेगा, एक प्रिंटर आपको डार्क मैट्रिक्स प्रिंटर मिलेगा। तो ये सारे होंगे प्रिंटर, माने सबका जॉब होगा कि पेपर पे आउटपुट प्रोड्यूस करना, बस इनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा फास्ट काम करेगा, किसी की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होगी। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है हम उस आधार पे प्रिंटर को परचेज करने का काम करते हैं। ऐसे ही एक आउटपुट डिवाइस हमारा है स्पीकर, तो इससे आप वेल नोन परिचित हो, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि कंप्यूटर के जरिए जो साउंड जनरेट हो रहा है वो हमें सुनाई पड़े, तो उसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे वीडियो कार्ड का रिस्पांसिबिलिटी होता है मॉनिटर पे रिजल्ट्स को शो कराना, तो ऐसे ही एक ऑडियो कार्ड या साउंड कार्ड हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है जिसका रिस्पांसिबिलिटी होता है कि जो कंप्यूटर के जरिए साउंड्स जनरेट हो रहे हैं उन्हें वो स्पीकर पे पहुंचाने का काम करता है। तो अगर आपको आवाज़ें सुननी है तो उसके लिए स्पीकर का हमें प्रयोग करना होगा। एक होता है हेडसेट, हेडसेट जैसे एक ऐसा होता है, इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो एयरफोन या हेडफोन में स्पीकर भी होता है जो आपको सुनाने का भी काम करता है, साथ साथ इसमें एक इनपुट डिवाइस जो माइक्रोफोन है वो भी उपलब्ध होता है। तो स्पेशली अगर हम लोग ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हों या कोई यूट्यूबर अपने वीडियो वगैरह का रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसे अपना साउंड भी कंप्यूटर में भेजना है और ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ों को सुनना भी है तो वो ईयरफोन या हेडसेट का प्रयोग कर लेता है। ऐसे ही एक मिलता है प्रोजेक्टर, ये जस्ट लाइक ऐसा होगा। प्रोजेक्टर का काम ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर से जो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं उन्हें किसी बड़े प्लेन सरफेस पे हमें दिखाना हो तो उसके लिए हमें प्रोजेक्टर का सहारा लेना होता है। प्रोजेक्टर जनरली यूज किया जाता है सेमिनार्स के लिए, मीटिंग्स के लिए। सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और आपको वहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन शो करना है, तो अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के मॉनिटर पर शो करेंगे तो सबको नहीं दिखेगा, तो ऐसे स्थिति में आपको प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोजेक्टर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आपका आउटपुट है वो बड़े से वॉल पे या वाइट पेपर पे रिले होगा, तो दूर बैठे हुए व्यक्ति भी इजिली उसे देख के जान पाएंगे, तो उस वास्ते हम लोग प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। एक डिवाइस और आता है आउटपुट के कैटेगरी में जिसे हम लोग प्लाटर के नाम से जानते हैं। प्लाटर जस्ट लाइक काम प्रिंटर के तरीके से ही करता है। प्रिंटर और प्लाटर में अंतर केवल ये होता है कि अगर आपको किसी बड़े पेपर पे गुड क्वालिटी का अगर आउटपुट चाहिए तो ऐसे वास्ते के लिए हम लोग प्लाटर यूज करते हैं। शुरुआत में प्लाटर का प्रयोग जो आर्किटेक्चर सिविल के होते थे उन्हें कोई मैप या नक्शा वगैरह को प्रिंट करना होता था बड़े पेपर पे और उसकी क्वालिटी भी ऊँच हो, तो उनके लिए प्लाटर बना था। प्रेजेंट टाइम में भी प्लाटर का प्रयोग प्रेस वाले करते हैं, जो होर्डिंग या बैनर या बड़े से फ्लैक्स पे जो आप देखते हैं प्रिंट निकलता है, तो उसके लिए इस प्लाटर वाले डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दिस जनरेट्स ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डिजिटली डिपिसेटेड डिजाइन। द डिजाइन इज सेंट टू द प्लाटर थ्रू ए ग्राफिक कार्ड एंड द डिजाइन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ए पेन। इट इज जनरली यूज्ड विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड एसेंशियली ड्राज ए गिवन इमेज यूजिंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस।
तो ये जैसे उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया कि कोई मैप्स है उसको प्रिंट करने की यहाँ पे नीड है, तो उसके लिए हमें प्लॉटर का प्रयोग करना होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के वीडियो में आपको आउटपुट डिवाइस के संबंधित जानकारी दिया। इसमें हमारा मॉनिटर आया, प्रिंटर आया, स्पीकर आया, हेडफोन आया, उसके बाद में मैंने आपको प्रोजेक्टर के बारे में बताया, फिर लास्ट में मैंने प्लॉटर को इम्प्लीमेंट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।